शांति। आज बाप दादा के अव्यक्त रूप के 23 जून 1973 के मधुर महावाक्यों पर हम मनन और चिंतन करेंगे। आज की मुरली का विषय है अलौकिक खजाने के मालिक। सर्व कमजोर आत्माओं को बल देने वाले, सर्व आत्माओं के तमोगुणी स्वभाव और संस्कारों को परिवर्तन करने वाले और पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने वाले बाबा बोले। अपने को लाइट हाउस और माइट हाउस दोनों समझते हो? वर्तमान समय की स्थिति प्रमाण आप सभी का कौन सा स्वरूप विश्व कल्याण का कर्तव्य कर सकता है? उस स्वरूप को जानते हो? इस समय आवश्यकता है माइट हाउस के स्वरूप की। क्या ऐसा अनुभव करते हो कि ऑलमाइटी बाप की संतान हम भी माइट हाउस बने हैं? अब देखिए, बाबा ने हमको बहुत संक्षिप्त में बिल्कुल सार रूप करके ज्ञान दिया है कि हमें जीवन को चलाने के लिए सारे वर्ल्ड साइकिल में अपना श्रेष्ठ जीवन बनाने के लिए किन किन शक्तियों की आवश्यकता है। तो उसको बाबा ने दो शब्दों में हमें समझाया हुआ है, एक है लाइट और दूसरी है माइट। अब आप देखेंगे, हमारी दादी जानकी हमेशा कहती हैं, लाइट माइट तो एवरीथिंग राइट, सब ठीक चलेगा अगर आपके पास लाइट और माइट है। और वैसे भी आप देखते हैं कि भक्ति मार्ग में हम क्या परमात्मा से मांगते हैं, हे भगवान हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, लाइट मांगते हैं अंधेरे से लाइट। तो अब बाबा कहते हैं कि दोनों चीज़ों की आवश्यकता है। मान लीजिए, सिंपल समझाने के लिए, मुझे यहाँ से अहमदाबाद जाना है दिल्ली से, तो पहली बात क्या होगी कि मुझे रोशनी मिलनी चाहिए कि अहमदाबाद की रोड कौन सी है, कौन सा नेशनल हाईवे मुझे अहमदाबाद ले जाएगा। इसको कहते हैं लाइट। लाइट मैंने ज्ञान, किसी भी चीज़ को करने से पहले उसका ज्ञान चाहिए। हम मोटर में बड़ी ताकत है चलने की, लेकिन मोटर को किस दिशा में ले जाना है पहले तो वो जानना पड़ेगा ना। अगर मोटर को मैं उल्टी दिशा में ले जाऊँ, अहमदाबाद की हाईवे पकड़ने की बजाय मद्रास का हाईवे पकड़ लूँ, तो इसलिए कहा जाता है लाइट। तो लाइट इज़ नॉलेज, लेकिन लाइट काफ़ी नहीं है। मान लीजिए किसी को ये ज्ञान हो गया कि ये सड़क अहमदाबाद जाती है, बहुत खुशी, और उसको जाना भी है, पर उसके पास उसका वाहन नहीं है और किस प्रकार के वाहन से कितनी जल्दी उसको पहुँचना है वो भी आवश्यक है ना। तो अहमदाबाद को तो बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें भी जाती हैं, बस हाई स्पीड की भी जाती हैं। तब बाबा कहता है कि सेकंड चीज़ है माइट, कि जानना, जानने के बाद उसकी क्षमता जितनी शक्ति होगी। अब बाबा कहते हैं आज आपको क्या ज़रूरत है, लाइट तो आपको मिल गई, आज आपको माइट या शक्ति की ज़रूरत है। भगवान को देखिए, और सब नाम परमात्मा के हैं, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मनुष्य आत्माएं उनसे चाहती हैं शक्ति, आप सर्वशक्तिवान हो, कहते हैं कि नहीं, हे भगवान, क्योंकि शक्ति सबसे बड़ी चीज़ है। आज दुनिया में स्थूल शक्तियाँ हैं, नाम तो उसका शक्ति है, धन की शक्ति, विद्या की शक्ति, ऐसे कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो वो शक्ति जो है माइट, जो आत्मा को चाहिए, जिसको हम विल पावर भी कह सकते हैं, स्पिरिचुअल पावर, उसकी आवश्यकता है। तो बाबा कह रहे हैं सर्व शक्तियाँ, हाँ, अपने में समाई हुई समझते हो, हाँ,
शक्तिवान नहीं लेकिन सर्वशक्तिवान, जिनका सर्वशक्तियां संपन्न के लिए गायन है कि अप्राप्त कोई शक्ति नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। हाँ देखिए बाबा कहते केवल और केवल सारे सृष्टि चक्र में सर्वशक्तियाँ हमको मिलती हैं परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान जब धरती पर आते हैं। अब ब्रह्मा जी के द्वारा हम आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं, हम उनके स्पिरिचुअल चिल्ड्रन बनते हैं, तब उनकी वो सर्वशक्तियाँ धारण करते हैं। अब सर्वशक्ति और कम शक्ति कुछ शक्तियों में बहुत फर्क है। अब किसी के पास दुनिया में भी धन बहुत है, मान लो उसको संतान नहीं है या वो बीमार रहता है तो एक शक्ति काम नहीं आएगी। चलो धन भी है तन भी है लेकिन उसके मन के अंदर अशांति है, कोई मुकदमा चला हुआ तो भी नहीं चलता। सब कुछ है उसकी आयु ही नहीं है, सब कुछ उसको प्राप्त हो गया उसकी आयु ही कम है। इसलिए सब शक्तियाँ का अर्थ है कंप्लीट फुल फुलफिल्ड। तो जो इस तरह का होगा वो सारा सफल हो सकेगा ना। जैसे देवताओं के लिए गायन है अप्राप्त कोई वस्तु नहीं देवताओं के खजाने में, वैसे आप ब्राह्मणों का गायन है अप्राप्त नहीं कोई शक्ति ब्राह्मणों के खजाने में, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान है। इस समय हम परमात्मा की संतान है ना, बीज से सारे वृक्ष को शक्ति मिलती है। अब बीज अपनी शक्ति किसको देता है? जड़ों को देता है जिन्होंने आगे सारे पेड़ के आधार बनना है। तब बाबा कहते हैं देवताओं के लिए कहते हैं ना कि कोई वस्तु पर अपराप्त नहीं देवताओं को। अब स्वर्ग लीजिए, स्वर्ग में कोई अपराप्त वस्तु है नहीं, नाम ही उसका स्वर्ग है, वैकुंठ है, हेवन है। तो जैसे वहाँ फल स्वर्ग है फल, और उससे पहले जो है ब्राह्मणों का समय है जिसको कहा जाता है कल्प के आदि में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा जिससे देवता पैदा हुए, फल भी तो शक्ति से पैदा होता है ना, वो इस वक्त हमारी स्टेज है। जितने हम अधिक सर्वशक्तिवान बनेंगे माँ उतना ही हम फलीभूत होंगे। और ये भी इम्पोर्टेंट है समझने की बात कि देवताओं को शक्तियों की ज़रूरत नहीं है। नेचुरली जब देवताओं की हम देवी देवताओं की क्वालिफिकेशन का वर्णन करते हैं तो उसमें सर्वगुण संपन्न आता है, सर्वशक्ति संपन्न नहीं आता, क्योंकि जब फल हो गया फल कंप्लीट हो गया उसको ताकत की आवश्यकता भी नहीं रहती। हाँ। पेड़ पर भी मान लो आम लगा हुआ है छोटा है कच्चा है तो पेड़ से शक्ति लेता रहता है, लेकिन जब वो फूल पक जाता है हर चीज़ संपन्न बन जाता है तो उसकी डंडी जो है सूख जाती है और ऐसे हवा लगने से ही वो रेडी है नीचे आ जाता है। इसलिए भगवान कहता है कि वो है फलीभूत और ये है शक्ति स्वरूप। जब बाप का नाम है सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी अर्थात सर्वशक्तियों के खजाने के मालिक के बालक हो, तो ऐसे बालक जो बाप की सर्वशक्तियों के मालिक हैं तो क्या उनके पास कोई अप्राप्ति हो सकती है? यानी परमात्मा की संतान सर्वशक्तिवान की, तो उनके पास कोई बच्चा कहे कि मेरे पास शक्ति की कमी है, कोई राजा का बेटा कहे मैं भिखारी हूँ, तो वो बात जची तो नहीं है ना। जो बालक सो मालिक, ऐसा कोई है जो अपने को बालक सो मालिक नहीं समझते हो? सभी मालिक बैठे हैं ना, सर्वशक्तियों के खजाने के मालिक होना, खजाने के मालिक कभी ये संकल्प भी कर सकते हैं क्या कि हमारे पास सहन शक्ति नहीं है? अब बाबा देखिए जैसे राजा का बच्चा राजकुमार है, अब राजकुमार को नेचुरल नशा और खुशी रहती है कि हम इस राजा की संतान हैं और सारी राजधानी हमारे पास ही आने वाली है। इसको कहा जाता है बालक सो मालक। जिसका जो बालक है वो उसके पिता की संपत्ति का मालिक है। तब बाबा कहते हैं कि अब तुम मास्टर सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान तो बालक हो गए,
तो सर्व शक्तियों के ऊपर तो तुम्हारा अधिकार ही है। कोई भगवान का बच्चा कहे कि मेरे पास ये शक्ति नहीं है, तो ऐसे ही है जैसे कोई शेर का बच्चा कहे कि मैं गीदड़ हूँ। तो बाबा कह रहे हैं है वह माया को परखने की शक्ति नहीं है, वह ज्ञान के खजाने को संभालने की शक्ति नहीं है, वह संकल्पों को समाने की शक्ति नहीं है, वह खजाने को सुमिरण करने की शक्ति नहीं है। कितना भी कोई कार्य में बुद्धि विस्तार में गई हुई हो, लेकिन विस्तार को एक सेकंड में समाने की शक्ति नहीं है। बाबा पूछ रहा कि जो कुछ खजाने तुमको मिले हैं उनको क्या संभालने की, उनको रखने की, यूज़ करने की शक्ति नहीं है? ऐसे मालिक से क्या ये बोल व संकल्प भी हो सकता है? अगर होता है तो उसको क्या कहें? उस समय की स्टेज को, स्थिति को क्या मालिकपन की स्थिति कह सकते हैं? नहीं, मालिक सदा मालिक होता है। अभी अभी मालिक, अभी अभी भिखारी, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान होते हैं क्या? मालिक से बार बार रॉयल भिखारी क्यों बनते हो? बाबा ने कहा तुम मेरे सर्वशक्तियों के खजानों के मालिक हो, तो मालिक ही होता है कि नहीं? अब मालिक को ये संकल्प भी नहीं आ सकता मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उस चीज़ का मालिक है, अधिकारी है। तो बाबा ने 5-6 एग्जाम्पल दे के बताया है कि बाबा कहता है कि ज्ञान है, अब तुम कहो कि मेरे ज्ञान को मैं समझता नहीं हूँ, परमात्मा से मैं शक्ति नहीं ले सकता हूँ, संकल्पों को समेट नहीं सकता हूँ। तो अब बाबा कहता है भिखारी क्यों बनते हो? वो भी रॉयल भिखारी। भिखारी मतलब रॉयल, मैंने ढंग से मांगना कि हे परमात्मा तेरे पास तो सब कुछ है, तू दे दे। जैसे स्टूडेंट के लिए नहीं कहते, इम्तिहान में अच्छा पेपर नहीं दे के आया फिर नीचे लिख दिया उसको कि मास्टर जी आपके पास तो खजाने की चाबी तेरे पास है, अगर पास कर दे तो क्या बात है, लिख दिया उसने। ये तो मांगना होगा ना रॉयल ढंग से कि आपके हाथ में है मुझे पास कर दो। तो टीचर ने भी लिख दिया सैकड़ों किताबें तेरे पास थी, अगर याद करते तो क्या बात थी। तो मांगना रॉयल ढंग से है तो मांगना ही ना। इसलिए बाबा ने इसको बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आगे। बाप के सामने भी जब बच्चा आकर ये कहे कि बाबा हमको मदद करना, शक्ति देना, सहारा देना, इसको क्या कहा जाता है? क्या इसको रॉयल भिखारीपन नहीं कहेंगे? यह है भक्ति के संस्कार। भगत मांगता हमेशा। जैसे देवताओं के आगे जाकर कहते थे कि आप तो सर्वगुण संपन्न हो, और मैं वैसे ही बाप के आगे मास्टर सर्वशक्तिमान आकर कहता है कि बाबा आप तो सर्वशक्तियों के सागर हो, लेकिन मुझ में वो शक्ति नहीं है, निर्बल हूँ, माया से हार खा लेता हूँ, व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ और माया के विघ्नों से घबरा भी जाता हूँ, तो क्या ये वही भक्ति के संस्कार नहीं हुए? बाबा कहते हैं भगत तो हमेशा ही कहेगा मैं दास हूँ, परमात्मा मैं तेरे चरणों की धूल हूँ, यही कहता है ना भगत, मेरे ऊपर कृपा करो, दृष्टि करो, रहम करो, कुछ आशीर्वाद दे दो। तो बाबा कहते तो मांगने के संस्कार हैं। भगत अपने नाम के साथ हमेशा दास लगाते हैं, दास। तो बाबा कहते हैं मैंने तुम्हारे दास का संस्कार हटा के कुमार लगाया, तुम मेरे बच्चे हो, मेरी संतान हो, मेरे सेवक नहीं हो। तो संतान को तो अधिकार रहता है ना माता पिता की प्रॉपर्टी का, दास जो होता है, जो सर्वेंट होता है, वो थोड़ी सी तनख्वाह मांगता है, कभी कभी कुछ चाहिए तो मांग लेता है। तो मांगने के संस्कार बच्चों के नहीं होते, पिताजी से। सुनाया था ना, बाप जो है जैसा उसको वैसा ना मानकर भावना के वश सर्वव्यापी भी कहते हैं। हाँ, बाबा कहता है देखो कि भगवत गीता में भी बाबा के महावाक्य रिपीटेड है कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जितना हूँ, वैसा ही मुझे जानकर जो मुझे याद करेगा वो मुझे प्राप्त होगा।
अब देखिए तो बाबा कहते हैं कि जो हूँ जैसा हूँ उसकी बजाय कहना शुरू कर दिया भगवान सब जगह है, समझो उसकी बड़ी बड़ाई कर रहे हैं, है तो इंसल्ट ना। इसको भी आप बाप की इंसल्ट कहते हो ना, कड़े से कड़ा शब्द गाली देते हाँ, हो। बाबा कहता है कि तुम क्या समझते हो, जब वो कहते हैं भगवान सब जगह है तो बाबा कहते हैं फिर तुम उनसे पूछते हो क्या कुत्ते में, बिल्ले में, पत्थर में, कूड़े में, गंदगी में भगवान है? तो एक प्रकार से ऊंचे भगवान को जो सदगति करने वाला है उसको तुमने इतनी इंसल्ट कर दी जैसे भगवान को गाली देते हो क्या? हम कहते हैं कि नहीं, बाबा कहते हैं ये भी इसी प्रकार से है। वैसे अपने श्रेष्ठ स्वमान मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर ज्ञान प्रेम और आनंद सभी के सागर, अपने लिए फिर कहे कि जरा सी शक्ति की कमी है तो क्या उनको मास्टर सागर कहेंगे? कोई सागर का बच्चा हो और क्या मुझे दो बूंद पानी दे दो, है ना? गीत भी भक्तों ने बनाया हुआ है, तू प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम। अब सागर की संतान के तो सारा सागर खुला है, तब बाबा कह रहा है कि मास्टर यानी भगवान प्रेम का सागर है, ज्ञान का सागर है, शक्ति का सागर है, शांति का, और उसकी संतान का थोड़ी सी शांति दे दो परमात्मा, थोड़ी सी शक्ति दे दो, थोड़ा सा मुझे प्रेम दे दो। तो बाबा कहते हैं ये क्या हुआ, ये भी तो भक्ति के संस्कार हो गए ना मांगने के। तो बाबा कह रहे हैं, एक तो स्वयं को मास्टर ज्ञान का सागर, आनंद का सागर कहे, फिर ये कहे तो अपनी इंसल्ट करना नहीं हुआ? स्वयं ही स्वयं की इंसल्ट करना क्या ये ब्राह्मणों का स्वमान है? ये बोल बोलना व ये संकल्प करना, इससे अपनी भी इंसल्ट करते हो और बाप की भी इंसल्ट करते हो, कैसे? अब बाबा कहता है अपनी तो करते ही हो, साथ अपने पिता की भी इंसल्ट कर रहे हो। अब कैसे पिता की कर रहे हो बाबा ने समझाया है, अपनी तो लग गया ना कि परमात्मा की संतान, महाराजा की संतान, राजकुमार अब भिखारी की तरह मांग रहा है, महाराज मुझे 2 रुपए दे दो फॉर एग्जाम्पल, तो क्या कहेंगे उसको, संतान है ये तो भिखारी है। ऐसे ही बाबा अब कहता है अपनी तो इंसल्ट कर रहे हो, भगवान की भी पिता की भी इंसल्ट करते हो, वो कैसे? एक तो बाप जो दाता है स्वयं देने वाला है और किसी के कहने से देने वाला नहीं है, तो दाता को मनुष्य बनाना क्या ये इंसल्ट नहीं है? अब बाबा कहता कि मैं तो हूँ ही दाता, मैं सर्वज्ञ भी हूँ, तुमको क्या देना है कब देना है वो भी मैं जानता हूँ। अब दाता को कहना मुझे ये दे दो तो फिर क्या हो गया? उसको सिखाना हुआ कि यानी आप नहीं, दाता हो, थोड़ा दे दो। और कहता है कि मैं ना किसी के कहने से देता हूँ, तो यानी कहा जाता है जो अपने आप दे उसको देवता कहते हैं दुनिया में, जो कहने से दे वो मनुष्य है, और जो कहने से भी ना दे उसको तो कुछ कहते ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं मुझे कहना कि मुझे ये दो तो मुझे मनुष्य बना दिया ना परमात्मा से, यानी देने वाले से मनुष्य बना दिया। तो दाता को मनुष्य बनाना क्या ये इंसल्ट हाँ, नहीं? ये बहुत बड़ी इंसल्ट है, भगवान को देवता भी नहीं मनुष्य बना दिया, ये दे दो। कहने से कौन करता है? मनुष्य। हाँ दूसरी बात, बाप को भी स्मृति दिलाने वाले बनते हो, हाँ इससे क्या सिद्ध होता है? जैसे भक्ति में हम कहते थे प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो। अब परमात्मा कहता है कि मुझे क्या चित्त में धरना और क्या नहीं धरना वो मुझे पता है। परमात्मा भी अगर लोगों के अवगुण चित्त में धरने लग जाए तो फिर परमात्मा तो नहीं हुआ, वो तो साधारण मनुष्य हो गया। अब भगवान कहता है कि मुझे सिखा रहे हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, ये भी तो मेरा निरादर है कि प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त, इसी प्रकार से बाबा कह रहा है कि निरादर करते हो। क्या बाप को अपना कर्तव्य करना भूल गया है क्या? हाँ, जो उसको कह रहे हो कि प्रभु जी ये करो और ये ना करो।
क्या इसलिए आप बाप को स्मृति दिलाते हो? बाबा आप तो मददगार हैं ही, इसलिए मदद करना। इस कहने को क्या कहा जाए, जबकि गायन ही है ब्राह्मण अर्थात सर्व प्राप्ति स्वरूप। प्राप्ति स्वरूप के पास अप्राप्ति कहाँ से आई? इसलिए कहा कि ब्राह्मणों की स्टेज पावर हाउस है। अब पावर हाउस से परे की भाषा समझे। हाँ देखो, पावर हाउस जिसका काम दूसरों को भी पावर देना है, मास्टर सर्वशक्तिवान, तो बाबा कहता है वो अगर ऐसी भाषा करेगा उसको क्या समझा जाएगा। पावर हाउस के ये बोल नहीं होते हैं। अब तो फाइनल रिजल्ट आउट होने का समय भी समीप आ रहा है। फाइनल रिजल्ट के समय में भी अगर कोई पहला पार्ट ही पढ़ता रहे, उसमें भी मजबूत ना हुआ हो, तो ऐसे का रिजल्ट क्या होगा? बाबा कहते हैं तो पहला पार्ट है और तुम अभी तक वही पार्ट पढ़ते जा रहे हो कि परमात्मा के संतान जो बालक सो मालक, ये भी नहीं तुमने किया और अब तक भी मांग रहे हो थोड़ी सी शक्ति दे दो, थोड़ा सा सहयोग दे दो, भक्ति मार्ग के जो संस्कार हैं, तो फिर तुम्हारा रिजल्ट क्या निकलेगा? फाइनल रिजल्ट के समय में भी अगर कोई बाबा कहते पहला पाठ पढ़ता रहे तो उसको क्या कहेंगे? हाँ। इसलिए फिर भी बाप दादा कुछ समय पहले सुना रहे हैं कि जिसको भी हाई जंप देना हो, हाँ। वह आगे बढ़ना हो, तो अभी से 6 मास के अंदर अर्थात इस वर्ष में अपने आप को जिस भी स्टेज पर जिस भी स्थिति में स्थित करना चाहते हो, उसके लिए ये चांस है। मामा मार्जिन दे रहा है, पहले से सावधान कर रहा है कि फाइनल रिजल्ट से पहले ये अपनी पूर्ति कर लो। ऐसे थोड़े समय के अंदर अपने को संपन्न बनाने के लिए साधारण पुरुषार्थ नहीं चलेगा। उसी स्पीड पे चलते रहे जिस पे अब तक चले हैं तो नहीं प्राप्ति कर सकते ना, तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। अभी तो तीव्र पुरुषार्थ अर्थात संकल्प बोल और कर्म, इन तीनों में समानता का अभ्यास करना उसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। अब तीव्र पुरुषार्थ की एक निशानी ये भी है कि व्यक्ति जो सोचे वही बोले वही कर्म में लाए, अदरवाइज क्या होगा कि सोचा बहुत बोला, फर्क हो गया बोल और सोच में, या कर्म और सोच में बहुत फर्क हो गया, अंतर हो गया, महान अंतर हो गया, तो स्पीड तो नहीं पकड़ेगी ना। आप सोच रहे हैं मैं ज़ोर से चलाऊं और नीचे से आपका एक्सेलरेटर दबता, आप स्पीड ही नहीं पकड़ पाते, तो फर्क हो जाता ना, और ही ज़्यादा चिंता हो जाती है। जैसे बुद्धि में ही सोचते हो, समझते हो कि हम दाता के बच्चे हैं, लेकिन बोल और कर्म में अंतर है। संकल्प में सोचते हो हम सर्व आत्माओं से ऊंचे ब्राह्मण हैं, लेकिन बोल और कर्म में अंतर है। सोचते हैं विश्व कल्याणकारी हैं, लेकिन बोल और कर्म में अंतर है। तो तीनों ही समान हो जाए, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ अर्थात बाप समान। तो क्या ऐसे अपने को बाप समान बनाने के लिए समय दे रहे हैं? अब बाबा ने बताया कि अंतर देखो, सोचते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते, कर्म नहीं कर पाते, तो अंतर है। तो इस अंतर को पूरा करना अर्थात सोच बोल और कर्म, इसको लोग ट्रांसपेरेंसी भी कहते हैं, या तीनों की समानता आवश्यक है। तीनों समान होंगे तो आप तीव्र गति से आगे बढ़ सकेंगे। अगर सोचा बहुत कुछ किया नहीं तो फिर क्या होगा, थिंक थिंक थिंक, डू नथिंग या डू वेरी लिटल,
तब बाबा कहते हैं तीनों में समानता लाओ, तभी तीव्र पुरुषार्थी बन सकोगे। साधारण रहोगे, साधारण पुरुषार्थी तो मंजिल पे नहीं पहुंच सकोगे। 6 मास के बाद इस रूहानी सेना के महावीर घोड़े सवार और प्यादे अर्थात प्रजा सभी प्रत्यक्ष होंगे। जब तक आपस में ही प्रत्यक्ष नहीं होंगे तो विश्व के आगे प्रख्यात कब होंगे? और विश्व के आगे प्रख्यात नहीं होंगे तो प्रत्यक्षता कैसे होगी? तो स्वयं को और बाप को प्रख्यात करने के लिए व बाप की प्रत्यक्षता करने के लिए अब लास्ट पुरुषार्थ व लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ कौन सा रह गया है? फास्ट पुरुषार्थ कौन सा है जो फास्ट ही लास्ट है, उसको जानते हो? कौन सा पुरुषार्थ सामने आता है? बाबा कहते हैं जब आपको पता लग जाए कि अंतिम स्थिति क्या बनानी है, लास्ट, तो आपका स्पीड अप ही फास्ट हो सकती है, क्योंकि वहाँ पहुँचना है तो आपको सब कुछ चेंज करना पड़ेगा ना, अपनी गतिविधि। तो बाबा कहते हैं लास्ट सो फास्ट का अर्थ क्या है? ऐसे नहीं कि लास्ट दिन को ज्ञान में आ गया तो तेज़ चल के वो मंजिल को पा लेगा, नहीं। अपने लक्ष्य को देखकर अपनी स्पीड को फास्ट करना, इसको कहा जाता है लास्ट सो फास्ट। तो बाबा आप बता रहे हैं कि आखिर तुम्हारा फाइनल लक्ष्य, फाइनल स्टेज क्या होनी चाहिए, उसके अनुसार अपनी स्पीड को बढ़ाओ। फास्ट पुरुषार्थ की विधि कौन सी है जिससे बाप समान बन जाएंगे, ये सिद्धि होगी? बिना विधि के सिद्धि नहीं हो सकती। बहुत बार सुनाया है, सिर्फ एक शब्द है। तो बाबा कहते सिर्फ एक शब्द है, लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ की विधि है प्रतिज्ञा। कोई भी बात की प्रतिज्ञा करना कि ये करना ही नहीं है, ये अभी करना है। प्रतिज्ञा की विधि ये है कि लास्ट इज फास्ट। प्रतिज्ञा अर्थात संकल्प किया और स्वरूप हुआ। देखिए हाँ। प्रतिज्ञा करने में सेकंड लगता है। हाँ, बाबा कह रहे हैं कि अगर लास्ट सो फास्ट है, एक होता है संकल्प। संकल्प जब किया जाता है, कई लोग संकल्प लेते हैं ना भक्ति मार्ग में भी, हाथ में जल लेकर के या सूर्य की तरफ देख करके कोई संकल्प लेते हैं, शुभ संकल्प, हमने ये करना है। नए वर्ष में भी लोग मन में कोई नया संकल्प लेते हैं, मैं ये नहीं करूँगा या मैं ये करूँगा, ठीक है। तो संकल्प कितनी देर चलता है? तो आप देखेंगे संकल्प जितनी शक्तिशाली आत्मा होती है, आजकल तो आत्माएँ वीक हैं, इसलिए वो संकल्प कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाता है। उसके बाद बाबा कहता है दृढ़ संकल्प कि नहीं, मैं अच्छी तरह सोच समझ के पक्का संकल्प करता हूँ, इसमें मैं कायम रहूँगा। तो बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प संकल्प से कुछ ज़्यादा चलता है, लेकिन वो भी जो है ना सदा के लिए हो जाए वो नहीं होता। फिर फाइनल होती प्रतिज्ञा। तो प्रतिज्ञा के लिए जो कहते हैं एकदम ऐसी प्रतिज्ञा होती जिसको जिसका लोगों ने नाम विषम प्रतिज्ञा भी रखा हुआ है, ऐसी स्ट्रांग प्रतिज्ञा कि प्राण चले जाएं पर वचन न जाए, पर वचन नहीं जाए, जो हमने कह दिया। तो बाबा कहता उसकी निशानी क्या है कि प्रतिज्ञा करने के बाद 1 सेकंड लगता है प्रतिज्ञा करने को, लेकिन अच्छा सोच समझ कर दृढ़ता से अपने आप को अच्छी तरह समझ कर, जैसे कसम खाते हैं ना कोर्ट में, मैं भगवान को हाजिर नाजर जानकर ये कहता हूँ, तो ध्यान रखते हैं। तो बाबा कहते हैं 1 सेकंड की प्रतिज्ञा, वो फिर तुम्हारा मनसा वाचा और कर्मणा एक हो जाएगा दृढ़ प्रतिज्ञा से, यही करना है और कुछ नहीं करना है। तब बाबा कहते हैं अब समय प्रतिज्ञा करने का। प्रतिज्ञा की विधि ये है कि लास्ट इज फास्ट प्रतिज्ञा अर्थात संकल्प किया और स्वरूप हुआ। लास्ट फास्ट का मतलब है किया, सोचा और हुआ। प्रतिज्ञा करने में सेकंड लगता है,
अब फास्ट पुरुषार्थ एक सेकंड का ही होना चाहिए, क्योंकि सुनाया था कि लास्ट पेपर की जो रिजल्ट आउट होना है, लास्ट पेपर का समय क्या मिलेगा, एक सेकंड। लास्ट पेपर का टाइम भी फिक्स है, पेपर भी फिक्स है। पेपर सुनाया था ना, नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। अब बाबा कहते हैं नष्टो मोह स्मृति लब्धा, ये शब्द दो हैं। इसका भाव क्या है कि हर वक्त एवर रेडी रहो कि दुनिया से हमारा मोह नष्ट हो चुका है। ये कलयुगी तमो प्रधान दुनिया है, इस शरीर से भी अपना मोह नष्ट हो चुका है। इसको हम कार्य के लिए लगा रहे हैं, ये शरीर भी तमो प्रधान तत्वों का बना हुआ है। तो इससे मोह नष्ट करके और परमात्मा की स्मृति में रहते हुए हमने इस जग में विचरना है। लेकिन जो ही एक सेकंड में समय आए, ऑर्डर आए, तो हम एकदम न्यारे होकर स्मृति लब्ध हो सके, इस सारे में एक सेकंड का टाइम मिलना है। अगर सचमुच नष्टो मोह हुए होंगे तो एक सेकंड में उड़ जाएंगे, अगर नहीं हुए होंगे फिर यहीं अड़े रहेंगे, प्राण नहीं निकलेंगे। तो एक सेकंड में अगर नष्टो मोह स्मृति स्वरूप न बने, अपने को स्वरूप बनाने अर्थात युद्ध करने में ही समय गंवा दिया, बुद्धि को ठिकाने लगाने में समय लगा दिया, तो क्या हो जाएंगे, फेल। हाँ, सीधी बात बाबा ने कही है, सीधी, कि अगर आपने उतनी तैयारी नहीं की हुई, एक सेकंड में हुआ और उड़े शरीर को छोड़कर, नहीं तो फिर सोचने लग गए क्या करना है क्या नहीं करना, तो फेल हो जाएंगे ना। तो दुनिया के अंदर भी जितने व्यक्ति जो एक्सीडेंट होते हैं, जितने व्यक्ति मारे जाते हैं, उसका यही कारण होता है कि वो एक सेकंड में सही निर्णय नहीं कर पाते, निर्णय ही नहीं कर पाते मुझे ये करना है या ये करना है। इसलिए बाबा कहता है कि ये इम्पोर्टेंट है कि ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा हो, अभ्यास हो उसका, कि किया सोचा और हो गया। तो बाबा ने कहा तो समय भी एक सेकंड का मिलना है, ये भी पहले से सुना रहे हैं, पेपर भी पहले सुन रहे हैं, तो कितने पास होने चाहिए, सारे होने चाहिए। फास्ट पुरुषार्थ की विधि है प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा से अपने को प्रख्यात करो, बाप को प्रख्यात करो, अर्थात प्रतिज्ञा से प्रत्यक्षता करो। ये मुश्किल है क्या, हिम्मत और उल्लास और नशा और निशाना अगर सदा साथ रखेंगे तो अनेक कल्प के समान फुल पास हुए ही पड़े हैं, कोई मुश्किल नहीं, हिम्मत और उल्लास चाहिए। यानी इसमें बाबा ये कह रहे हैं कि हिम्मत उल्लास, हिम्मत के साथ जील एंड एंथुजियाज्म, उमंग और उत्साह, हिम्मत और उल्लास रखेंगे तो बाबा कहते हैं मुश्किल नहीं है। और साथ ये कह दिया कल्प के समान, क्योंकि कल्प पूर्व भी किया था, कई आत्माओं ने जो विजय माला में आई, विजय प्राप्त किया, सभी नहीं, बाबा कहते हैं नंबर वार होता है हर चीज़, हर चीज़ में कोई भी कार्य करेंगे ऑटोमेटिकली पुरुषार्थ के अनुसार नंबर बन जाते हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड इस तरह बन जाता है। तो हिम्मत और उल्लास और नशा और निशाना, कि निशाने पे पहुँचना, उसका भी नशा और स्पीड से चलना है बेपरवाह होकर के एक ही लक्ष्य से। बाबा कहता है वो जो कल्प पहले जिन्होंने किया है, कल्प पहले वाला याद करोगे तो मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं। सिर्फ इन 6 मास के अंदर अपने मुख्य 4 सब्जेक्ट्स को सामने रखकर चेक करना, चारों में पास मार्क्स हैं, ये हैं कम से कम पास मार्क्स। अब बाबा कहता है कि चारों सब्जेक्ट हैं, अगर चारों में कम से कम पास मार्क्स भी नहीं लिए, जैसे स्कूल में 33% होता है, कि सब सब्जेक्ट में 33% तो ले लो तो उसको पास गिनते हैं, ऑर्डिनरी पास, अगर उसमें भी अगर एक आध सब्जेक्ट में उससे भी कम हुए फिर तो पास नहीं हो सकेंगे ना। तो चारों सब्जेक्ट में पास मार्क्स लेना पहली बात, ये है कम से कम पास मार्क्स, लेकिन जो विशेष आत्माएं हैं उनको फुल मार्क्स लेने का लक्ष्य रखना है।
ऐसे नहीं समझना कि दो या तीन सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स हैं और एक या दो में कम हैं तो पास हो जाएंगे। अगर एक सब्जेक्ट में यदि कोई फेल होता है तो क्या होता है, जिसको दोबारा पेपर देना पड़ता है, उसका वो वर्ष तो खत्म हुआ ना, अर्थात वो सूर्यवंशी से तो मिस हो गया। सूर्यवंशी के पहले राजभाग और प्रकृति के फर्स्ट सर्व प्राप्ति संपन्न प्रालब से तो मिस हो जाएंगे ना। हाँ, यदि चढ़ती कला होते होते त्रेता में आकर फुल मार्क्स लेंगे तो त्रेता युग में कुछ श्रेष्ठ प्रालब तो पा लेंगे। इसलिए ये भी नहीं सोचना, चारों ही सब्जेक्ट्स में फर्स्ट पुरुषार्थ है, फुल पास होना अर्थात फुल मार्क्स लेने हैं। सेकंड पुरुषार्थ, सभी सब्जेक्ट्स में पास मार्क्स लेने का है। यानी पहला तो हो गया फुल मार्क्स, सभी सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स, तो फुल पास हो गए। हाँ, और तीसरा पुरुषार्थ तो करना ही नहीं है। हाँ, क्योंकि तीसरे का तो सोचना ही नहीं है। हाँ, बाबा फिर भी टाइम दे रहे हैं, अपने आप को सभी सब्जेक्ट्स में कंप्लीट कर लो, समझा। अब देखिए, बाबा कहते हैं सब सब्जेक्ट में फुल मार्क्स तो सतयुग में आएंगे फर्स्ट ग्रेड, और अगर सब सब्जेक्ट में पास मार्क्स तक लिए तो एक युग तो गया, त्रेता में आएंगे, है ना। लेकिन पास होकर स्वर्ग में तो आ जाएंगे ना, आधा आधा हिस्सा तो गया, सतो पर दान गया, सतो में तो आ जाएंगे ना। इससे नीचे का तो सोचना ही नहीं है। बाबा फिर भी टाइम दे रहे हैं, अपने आप को सभी सब्जेक्ट्स में कंप्लीट कर लो, समझा। तीन ग्रुप आउट करने हैं। नंबर वन एवर रेडी ग्रुप, टू रेडी ग्रुप, तीसरा लेजी ग्रुप। लेजी ग्रुप। हाँ, तो बाबा कहता है एवर रेडी रेडी, ये तो ठीक है। अब लेजी ग्रुप का क्या होगा, तो आलस अलबेलेपन के कारण से वो अपना पद गवा लेंगे। तो बाबा ने कहा इस छः मास के अंदर अपने को परिवर्तित कर फर्स्ट ग्रुप में लाना है, अर्थात एवर रेडी ग्रुप। ऑर्डर हुआ और किया। ऑर्डर मानने में लेजी नहीं, इन तीन ग्रुप्स में स्वयं भी स्वयं को दर्पण में साक्षात्कार हो जाएगा। जैसे कल पहले ब्रह्मा कुमार नारद बाबा ने कहा दर्पण में अपना साक्षात्कार किया ना, वैसे नॉलेज रूपी दर्पण में स्वयं ही स्वयं का साक्षात्कार करेंगे कि मैं किस ग्रुप में हूँ और किस ग्रेड में आने वाला हूँ। जैसा ग्रुप वैसा ग्रेड्स होंगे ना। फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रुप में सेकंड ग्रेड, हाँ लेजी ग्रुप में फिर लेजी रह जाएंगे। बाबा ने ये बताने के बाद ये नारद का मिसाल किस परिप्रेक्ष्य में दिया। हाँ, बाबा ने ये कहा है ना कि कल पहले भी ऐसे थे, थे वो लेजी ग्रुप के, लेकिन लक्ष्य तो यही था कि हम लक्ष्मी को बनेंगे, श्री नारायण बनेंगे। तो नारद का मिसाल इसीलिए दिया जाता है कि नारद नारायण नारायण कहता रहता था, लेकिन मुख से नारायण नारायण ही बोलता था ना, वो तो भगत भी बोलते हैं। लेकिन बाबा कहते मैंने जो ज्ञान दिया कि तुम मनुष्य से देवता बनो, नर से नारायण बनो, जीवन में वो धारणाएँ लाओ, वो तो लाई नहीं। तो नाम से तो रहा कि बाबा का बच्चा है। तो जब कहते हैं कि लक्ष्मी का स्वयंवर होना था, उसमें जो भी एलिजिबल थे फर्स्ट ग्रुप वाले लक्ष्मी के स्वयंवर में, तो फर्स्ट ग्रुप वाले जाएंगे एवर रेडी वाले, तो नारद भी चल पड़ा। तो अब क्या हुआ कि उसने कहा मैं भी लक्ष्मी को वर सकता हूँ, क्योंकि थर्ड ग्रुप में था तो सही ना, स्टूडेंट तो था। लेकिन क्या हुआ कि चलते चलते रास्ते में मिरर लगे होते हैं, जगह जगह शीशे लगे होते हैं, तो उसने एक मिरर में देखा तो उसको बंदर दिखाई दिया, तो वो शर्मा गया और वापस आ गया। कहने का भाव यह कि भगवान ने हमें बंदर से, कहते हैं ना राम ने बंदरों की सेना ली थी, तो परमात्मा ने यानी बिल्कुल ही विकारी मनुष्य आत्माओं को देवता बनाया,
मंदिरों को मंदिर लायक बनाया, इसलिए हनुमान जी की मूर्ति मंदिर में पूजी जाती है बंदर के रूप में, कि भाई पता रहे कि बंदर भी मंदिर लायक बने। अगर बंदर जैसी मूर्ति ना पूजे तो किसी को पता ही नहीं होगा कि देवता पहले क्या थे, तो उसका मिसाल बाबा ने दिया। अच्छा, सदा स्वयं के प्रति और विश्व के प्रति शुभ चिंतक स्थिति में स्थित रहने वाले, हर सेकंड और हर संकल्प श्रेष्ठ व्यतीत करने वाले, सदा अपने खजाने की स्मृति और सुमिरण में रहने वाले, सदा खुशी की खुराक में भरपूर रहने वाले, सर्व कमज़ोर आत्माओं को बल देने वाले, सर्व आत्माओं के तमोगुणी स्वभाव और संस्कारों को परिवर्तन करने वाले, साक्षी और सदा साथी अनुभव करने वाले, ऐसे कोटों में से कोई और कोई में से कोई पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। मुरली का सार इसमें आ गया। तो ये थी प्यारे बाबा की मुरली, जिसमें हमको आज बाबा ने जो एक शब्द का पुरुषार्थ बताया है, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा किसी भी संस्कार को जीतने के लिए, किसी भी कमजोरी को जीतने के लिए और तीव्रता से करने के लिए बाबा ने कहा, अगर एक संकल्प मात्र करो प्रतिज्ञा, तो वह कायम रहेगी और प्रतिज्ञा तोड़ी नहीं जाती है, क्योंकि अगर प्रतिज्ञा को तोड़ दिया जाए फिर तो कुछ भी जीवन में व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए बाबा ने उसका महत्व बताया, नष्ट मोह स्मृति स्वरूप हमें बनना है, और जो तीन ग्रेड्स बताए बाबा ने वो भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान देने योग्य हैं। स्वयं को हमें सदा एवर रेडी ग्रुप में रखना है और एक सेकंड का मौका मिलेगा अंत में, जिसको बाबा ने कहा हाई जंप देना हो, आगे बढ़ना हो, तो ये 6 महीना बाबा ने कहा अवेलेबल है जिसमें कर सकते हैं। तो क्यों नहीं, बाबा जो हमारा टीचर है, बाबा विनाश की बात नहीं कर रहे परंतु पुरुषार्थ की तीव्रता की बात कर रहे हैं, जो हमें अपनी क्लासेस में संगठित रूप में रेस ऐसी करनी ही चाहिए। ओम शांति।